नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आज मैं आप सबको एक इंडोनेशियन अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं पोकोंग। पोकोंग को श्राउडेड घोस्ट भी कहा गया है। इंडोनेशियन कल्चर के हिसाब से जब कोई मरता है तो उसे कफन में लपेटकर तीन जगहों में धागे से बांधा जाता है, सर के ऊपर, गले पर और पैरों के नीचे। उनका मानना है कि मरे हुए इंसान की आत्मा 40 दिन तक धरती पर ही रहती है और 40 दिन के बाद वो बंधे हुए धागे खोले जाते हैं और वो आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर किसी वजह से वो धागे 40 दिन के बाद भी खोले नहीं गए तो वो आत्मा एक पोकोंग में तब्दील हो जाती है। एक पोकोंग बंधे होने के कारण चल नहीं पाता, वो कूद कूद कर चलता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक पोकोंग एक छलांग में 40 से 50 मीटर तक कूद सकता है, या फिर वो रास्तों में लुढ़कते हुए भी जा सकता है। एक और अजीब मान्यता ये भी है, अगर कोई इंसान हिम्मत करके एक पोकोंग को गले लगाकर फिर उसके सारे धागे अगर खोल देता है तो वो आत्मा उसे कई सारे खजाने दे देती है और वह आत्मा मुक्त हो जाती है। और एक बात, पोकोंग कभी भी किसी पर हमला नहीं करता जब तक कोई उसका रास्ता नहीं रोके। लेकिन पोकोंग किसी भी इंसान का पीछा करता है तब तक जब तक कि वो इंसान अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाए। अब चलते हैं कहानियों पर। ये पहली कहानी है इंडोनेशिया की एक छोटे से गांव की। उस गांव में तब स्कूल नहीं था तो गांव के बच्चे पास के गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। उन बच्चों में से एक का नाम था आरिफ। आरिफ बहुत ही शरारती लड़का था। वो हमेशा अपने क्लास के लड़कों को अपनी शरारतों से परेशान करता रहता था। एक बार आरिफ ने स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने कुछ दोस्तों के स्कूल बैग चुपके से अपने साथ ले गया और छुपा दिया। जब वो लड़के अपना बैग ढूंढ रहे थे तो आरिफ चुपके से हंस रहा था। तभी एक लड़के ने उसे देख लिया और सबको पता चल गया कि आरिफ ने ही ये किया है। फिर टीचर ने उसे पनिशमेंट देने के लिए शाम तक स्कूल में साफ सफाई करने का ऑर्डर दिया। सफाई खत्म होने के बाद वो अकेला अपने घर की ओर दूसरे गांव चलने लगा। रास्ते में एक जंगली रास्ता भी पड़ता है। जब आरिफ जंगल के रास्ते जा रहा था तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उसे डर भी लग रहा था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसे लगा जैसे एक आवाज़ उसका पीछा कर रही है। वो आवाज़ उसके पैरों के आहटों के साथ ही सुनाई दे रही थी। आरिफ जब अपने पैर रोक देता तो वो आवाज़ भी रुक जाती, और जब वो चलने लगता वो आवाज़ भी उसके साथ चलने लगती। अब आरिफ काफ़ी डर गया था और ज़ोर से भागने लगा। वो आवाज़ भी उसके साथ भाग रही थी। कुछ देर बाद जब आरिफ अपने घर पहुंचा, तो हिम्मत करके उसने पीछे पलटा। उसने देखा सफ़ेद कफन में लिपटा एक आदमी खड़ा था, जिसका मुंह हरा रंग का था और आंखों के जगह बस गड्ढे ही थे। ये देखते ही आरिफ वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसे होश आया तो उसने पिछले शाम की पूरी कहानी सबको बताई। कुछ गांव वालों ने कहा कि वो एक पोकोंग था और उसे पहले भी कई लोगों ने देखा है। ये दूसरी कहानी है जुनैद की। जुनैद एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। एक दिन उसके पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रखने की उनके पास पैसे नहीं थे। जुनैद का एक दोस्त शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो जुनैद ने उसे कुछ पैसे मांगने के लिए शहर चला गया। जब जुनैद ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे तो उसके दोस्त ने मना कर दिया और सबके सामने उसको बहुत अपमान भी किया। अब जुनैद रोते हुए अपने गांव की ओर आने लगा। जुनैद ने सोचा ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। वो खुदकुशी करने के लिए एक नदी की ओर जाने लगा। नदी के पास पहुंचकर वो कूदने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र अपने बाएं और पेड़ों के बीच में गई। एक बड़ा ही भयानक नज़ारा देखा जुनैद ने। पेड़ों के बीच कफन में लिपटा एक मुर्दा खड़ा था और उसकी ओर ही देख रहा था। जुनैद डर के मारे कांपने लगा। उसे पता था कि ये एक पोकोंग है। फिर जुनैद अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो देखा
सवेरा हो चुका था। जुनैद अचानक चौंक गया। उसने देखा उसके सर के पास कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए थे। जुनैद ने वो सिक्के उठाए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। जुनैद का मानना था कि वो सिक्के शायद उसी पोकोंग ने ही उसे दिया होगा। तो ये थी दोस्तों पोकोंग की दो छोटी कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।